नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज में। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के बेटे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें डिप्टी सीएम का बेटा आशु बैरवा टशन में खुले हुड की जीप तोड़ाता दिख रहा है। उसके आगे पीछे पुलिस एस्कॉर्ट करते हुए नजर आ रही है। उसके साथ तीन अन्य युवक भी हैं, जिसमें एक का नाम कार्तिकेय भारद्वाज है, जो कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज का बेटा है। मौज मस्ती और रीलबाजी के लिए जा रहे नेताओं के इन बेटों को पुलिस से एस्कॉर्ट किस वजह से मिला, इस पर सवाल खड़ा हो रहा है। बेटे की रीलबाजी से घिरे डिप्टी सीएम खुद बोल रहे हैं कि उनका बेटा अभी 18 साल का नहीं हुआ, इसमें यातायात नियमों की धज्जियां कहां उड़ी है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के पास परिवहन विभाग का भी चार्ज है, लेकिन नाबालिग बेटे द्वारा गाड़ी चलाना उन्हें नियमों में लग रहा है। वायरल वीडियो के मुताबिक चार लड़के खुली जीप में सवार हैं, जो बरसात के मौसम में भीगते हुए इंजॉय करते नजर आ रहे हैं। उनके पीछे पीछे पुलिस की गाड़ी चल रही है, जो जीप के आगे तो कभी पीछे दौड़ती नजर आ रही है। तो आइए, इस मामले को लेकर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने क्या कहा, आइए देखते हैं पूरा वीडियो। कांग्रेस के नेता आप पर निशाना साध रहे हैं कि आपके बेटे किस तरह से पुलिस एक्सपोर्ट। देखिए, ये मेरा बच्चा अभी सीनियर स्कूल में पढ़ता है और उसके साथ में स्कूल के बच्चे, वो आपसी दोस्त हैं। और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा इस बात को कि मेरे जैसे व्यक्ति को राजस्थान का उप मुख्यमंत्री बनाया, और उप मुख्यमंत्री बनाने के बाद मेरे बेटे को अगर कोई भारी पैसे वाले लोग या उनको साथ बिठाते हैं, उनकी गाड़ी में बिठा लिया, तो उसने भी देखने का उसने मौका दिया है कि वो भी एक अच्छी गाड़ी को देखा है। तो मैं कहता हूँ कि बच्चा है अभी, और अभी तो 18 साल का भी नहीं हुआ, लेकिन वो लोग दे रहे हैं तो मैं तो धन्यवाद मानूंगा कि वहां तक आज मेरे बच्चे को भी पूछने लगे जब मुझे मुख्यमंत्री बनाया। परिवहन विभाग के आपके पास है और फिर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ रही है, इसको लेकर विपक्ष निशाना नहीं दे। यातायात की कहां धज्जियां उड़ी, जैसे हाथ ऐसा नहीं है। उन्होंने तो कोई एस्कॉर्ट के लिए कहा, मेरे बच्चे की सिक्योरिटी के लिए पीछे चल रही थी मेरी गाड़ी, ना कि एस्कॉर्ट कर रही थी। लेकिन लोगों की भावना है, इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए, और कर रहे हैं तो ठीक है, वो करे। लेकिन मैं मेरे बच्चे को और मैं बच्चों को कोई दोष नहीं देता हूं, क्योंकि वो बच्चे एक स्कूल के दोस्तों के साथ थे, और इसमें इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं।